आप देख रहे हैं पाकिस्तान ओवरसीज न्यूज़। में बिल्डिंग इंडस्ट्रियल शो 2022 एक्सपो का 3 रोज़ा इनेकाज मेरा होटल अलमसेला में हुआ। इसमें ALC कंस्ट्रक्शन कंपनी की शिरकत हुई। बिल्डिंग इंडस्ट्रियल शो 2022 एक्सपो में मोहम्मद इरफान नागरा की दावत पर फरख हमीर सियाल, कम्युनिटी वेलफेयर अताशी, सफारतेहाना पाकिस्तान ने शिरकत की। कंस्ट्रक्शन कंपनी कुवैत में बिल्डिंग ALC कंस्ट्रक्शन में अपना अहम मकाम रखती है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान नागरा हैं। जमेरा मसेला होटल में 10वां शो 2022 एक्सपो का कुवैत में इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों ने शिरकत की। इसमें ALC कंस्ट्रक्शन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव एक पाकिस्तानी नौजवान हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी भी बेहतरीन कंपनियों में शामिल है, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान नागरा हैं। इस कुवैत बिल्डिंग शो 2022 में पाकिस्तानी सफारतेहाना के कम्युनिटी वेलफेयर अताशी फरख अमीर सियाल और पाकिस्तानी कम्युनिटी इन कुवैत की मुअज्ज़ज़ शख्सियात को मोहम्मद इरफान नागरा ने मदो किया। फरख अमीर सियाल ने अपने हालात का इजहार ख्याल करते हुए कहा, यह हम सब के लिए काबिल फ़ख्र बात है कि पाकिस्तानी नौजवान मोहम्मद इरफान नागरा ने बड़ी मेहनत के साथ दियारे गैर में अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी को इस मकाम तक पहुँचाया कि आज ये ALC कंस्ट्रक्शन कंपनी मुकम्मल घर बनाकर मालिक मकान को चाबी दे रही है। उन्होंने कहा कि ये जानकर मज़ीद खुशी हुई है कि कंस्ट्रक्शन के शोबा में कुवैती कम्युनिटी को यह पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन कंपनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ साथ बेहतरीन सर्विस भी फ्राहम कर रही है, जो पाकिस्तानियों के लिए एक एजाज़ की बात है। के बिजनेस में तो उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन चल रही है जुमेरा होटल के अंदर, और बिकॉज नागरा की कंपनी एक कुवैत की लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज है, और नागरा बींग अ पाकिस्तानी हमारा प्राइड भी है और हमारा फ़ख्र भी है, हमारा गुरूर भी है, बहुत बड़ी बात है। वी रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। और आज जो दरअसल पहले भी हमारी मुलाकातें तो बहुत हुई, लेकिन आज मौका मिला है इन डिटेल उनकी कंपनी के बारे में जानने का और उनसे उनके बिजनेस के ऊपर डिस्कस करने का। तो आज जो उन्होंने चीज़ें मुझे बताई हैं जिस हवाले से कि जी हाउ अ कंपनी कम्स इन टू बींग, उसके बाद किस किन स्टेज से गुजर के वो इस स्टेज तक पहुँचे हैं। और जो सबसे ज़्यादा खुशी की बात थी उसके अंदर वो ये थी कि नागरा साहब ने मुझे बताया है कि जब इनका एक इंटरव्यू करती है, यहाँ पे बल्दिया का एक डिपार्टमेंट है, वो इनका इंटरव्यू करता है, तब जाके इनकी कंपनी को एक जीम जो है जीम उसका अप्रूवल का स्टेटस मिलता है। तो नागरा साहब कहते हैं कि ही इज़ माशाल्लाह द फर्स्ट पाकिस्तानी टू लीड सच अ कंपनी जिसको ये जी स्टेटस मिला है। तो नागरा साहब वेल डन सर, वेरी वेल डन, यू हैव मेड अस ऑल प्राउड। और फिर नागरा ने डिटेल में हमें ये भी बताया कि ये कौन कौन से कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ज़्यादातर उन्होंने बताया कि वो इनके जो नई डेवलपमेंट्स हैं उसके अंदर हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, लोगों के विलाज बनाते हैं नागरा साहब। फिर उन्होंने मुझे डिटेल बताई कि हाउ दे गो अबाउट देयर वर्क, और उनसे इस बात पर भी डिस्कशन हुई है कि किस किस तरह की वर्क फोर्स किन किन मुल्कों के इस्तेमाल करते हैं इस सारे काम में। तो ये भी बड़ी खुशाइंद बात है कि यहाँ पर जो इसकी जो फिनिशिंग और डिकोर और उन चीज़ों के अंदर ये पाकिस्तानी वर्क फोर्स को भी करते हैं इस्तेमाल, और उन्होंने बताया कि द रिज़ल्ट्स आर वेरी गुड। सो जब भी हम किसी पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नागरा साहब से की जो अचीवमेंट्स हैं इनको आज करीब से देखने का मौका मिला है, और इनकी कंपनी को आज करीब से देखने का मौका मिला है, तो इनके अचीवमेंट्स दे आर रियली वंडरफुल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। देखें, पाकिस्तान में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ बिग ह्यूज कंट्री विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ टैलेंट। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा वो टैलेंट नज़र भी आए, एंड वी शुड अप्रिशिएट पीपल लाइक इरफान नागरा, जिनके अंदर अगर टैलेंट है तो उन्होंने अपना टैलेंट आश्कार किया, आगे लोगों को दिखाया है। ये बात करना बड़ी आसान है कि हम बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, भाई किधर है टैलेंट? टैलेंट वो जो नज़र आए, तो वो आज नज़र आ रहा है टैलेंट माशाल्लाह। और इन्होंने एक दूसरे मुल्क में आके एक डिफरेंट इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान का इरफान नागरा की ये पर्सनल अचीवमेंट तो है ही है, लेकिन ये पाकिस्तान की भी अचीवमेंट है। और ये बात याद रखेंगे, पाकिस्तान का जो इमेज हम पोर्ट्रे करेंगे ना बाहर की दुनिया में, वो ये इमेज ज़रूर जाना चाहिए कि पाकिस्तानी ठीक है एक बाकी काम भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में इतना टैलेंट मौजूद है कि देर कैन रन सम वेरी गुड बिजनेस इन द वर्ल्ड। और ये इसकी बहुत ज़्यादा मिसालें दुनिया पूरी में मौजूद हैं। ये फोर्ब्स के पहले 400 बंदे जो हैं रिचेस्ट पर्सन, उनके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, मिडल ईस्ट में भी हैं। तो
इसी तरीके से मेरी तो आज मैं इनके पास आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो मेरी इनके लिए दुआ भी है कि अल्लाह करे कि ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका अल्लाह करे कि ये अल्लाह ताला इनको और कामयाबियाँ दे और ये भी उस लिस्ट के अंदर आए। देखें, पैसा कमाना जो है वो भी एक लिहाज से ज़रूरी है और उन लिस्ट के अंदर आना भी ज़रूरी है, इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि वहाँ पर पाकिस्तान का नाम जाता है कि दैट दिस पर्सन फ्रॉम अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड हैज़ अचीव्ड दिस सक्सेस। तो द नंबर ऑफ विजिटर्स दैट आई एम सीइंग हियर, द पीपल शोइंग कीन इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट्स विच आर बीइंग टेकन बाय द ALC कंस्ट्रक्शन एंड द कम्युनिटी मेंबर्स हु आर पोरिंग इन नंबर्स एंड गिविंग सपोर्ट टू मिस्टर इरफान नागरा, इट्स रियली हार्टनिंग और आर गुड विशेज आर प्रेयर्स आर विद हिम। इसके अलावा भी एम्बेसी के हवाले से जो बिकॉज आई रिप्रेजेंट कम्युनिटी वेलफेयर विंग, तो कम्युनिटी वेलफेयर विंग के हवाले से कोई भी इनका काम होगा इस हवाले से तो आई एम ऑलवेज देयर, तो आई विल ऑलवेज इनकरेज हिम टू कम टू माई ऑफिस, आई डेफिनेटली कीप ऑन विजिटिंग हिम एंड आई विश मिस्टर इरफान नागरा, हिज कंपनी एंड हिज फैमिली लोड्स एंड लोड्स ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।